अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वक्त लाहौर सनफोर्ट होटल में हूं। सिल्वा का वर्कशॉप आज नियरली इख्तिताम पजीर है और कुछ पार्टिसिपेंट्स के हम व्यूज़ लेना चाहते हैं, तो पहले हमारे दोस्त हैं, आप इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम जी? मेरा नाम मोहम्मद यासीन। कहाँ से आए आप? मैं मस्कत ओमान से आया हूँ, स्पेशली सिर्फ इसी वर्कशॉप के लिए आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये बताइए, जो वाइफ वाला था रात को, आपने अपने वाइफ वाला मेरा बहुत सुपर एक्सपीरियंस था रात को। मैंने इसमें एक होता है अपना लैब का, लैब बनती है, लैब में मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया। वो एक हफ्ते से उसका जो था सो नहीं पा रही थी। मैंने कॉल किया वाइफ को, उनको ट्रीट किया है और अभी दोपहर में मैंने उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह वो सोई हैं एक हफ्ते के बाद, इतनी मतलब एक हफ्ते के बाद उनको इतनी गहरी और हेल्दी नींद आई। अच्छा, ये लेबोरेटरी जो ये बेसिकली इमेजिनेशन में बनती है। जी जी। तो इमेजिनेशन का मतलब वो रियल था ना, इमेजिनेशन नहीं था, एक्चुअली आपकी वाइफ को असर हुआ जब आपने ट्रीटमेंट किया? डेफिनेटली असर हुआ है और इतना असर हुआ कि उसने मुझे बताया कि एक हफ्ते के बाद वो इतनी साउंड स्लीप सो। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आते रहिएगा मुख्तलिफ वर्कशॉप में। दोस्तों अब हम और के पास जाते हैं, ये हमारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम भैया आपका? सर रियाज अली नाम है। रियाज अली लाहौर से हो? कहाँ से? मैं लाहौर से। अच्छा बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस, 100% रिजल्ट आया आपका? सर 99% रिजल्ट मिला। जबरदस्त। और क्या चीज थी आपके हाथ में? कोई अंगूठी दी थी, घड़ी क्या दी थी किसी ने? मेरे हाथ में अंगूठी दी थी। ठीक है, तो उसके मुताबिक मैंने भाई के जो तकरीबन 99% जो चीज़ें थी वो मैंने ठीक बताई, जबकि आप उस शख्स को नहीं जानते? नहीं जानता। और तो मेरी में सारी इन्फॉर्मेशन थी उसकी। उसमें मुझे ये भी फीलिंग आई कि उनके दो बेटे और एक बेटी है और वो ऐसे ही था। क्या बात है जी, आबाद रहे, खुश रहे, आपको बहुत ज़्यादा और कामयाबी अता करे। हमारे दोस्तों में और हैं, आपका भी जी? बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे नेक्स्ट दोस्त है जी, आप नाम बताइए। आरिफ सुहेल मेरा नाम। आमिर सुहेल, कहाँ से हो आप? आरिफ सुहेल। आरिफ सुहेल कहाँ से हो? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। आरिफ कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस और इमेजिन नहीं था कि इतना जबरदस्त रिजल्ट होगा। साइकोमेट्री में आपने भी कुछ रिजल्ट निकाले जो जी, आप जी, पहली दफा किया था तो तकरीबन 50% था, नेक्स्ट टाइम किया तो 100% रिजल्ट। और 100% में क्या हुआ, क्या आपके हाथ में अंगूठी घड़ी क्या चीज दी थी? किसी ने घड़ी दी थी जी जी। और आपको उस शख्स को नहीं जानते? नहीं पता था मुझे, बस ये पता चला कि ये घड़ी दी किस बंदे ने, जिन्होंने दी थी ना उनके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और 100% जबरदस्त जी। बहुत हम देखते हैं ख्वातीन में भी कुछ हैं जो इंटरेस्टेड हैं अपना व्यूज देने में जी। ख्वातीन कौन कौन है जी? ख्वातीन जरा मुझे, यस 100% रिजल्ट, 90% अपना व्यूज देना चाहोगी? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इंटर कर रही है, क्या कर रही है? मैं अभी सेकंड ईयर एफएससी में हूँ। एफएससी में। और कहाँ से आई हो? सऊदी अरेबिया से। और आपका नाम बेटा? महम। महम, महम जरा बताओ अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा भी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, साइकोमेट्री में आपके हाथ में क्या दिया था? मुझे उन्होंने अपनी मॉम की इयर रिंग दी थी। ठीक है, और ज़ाहिर आप उनकी मॉम को नहीं जानती? नहीं बिल्कुल, मैं नहीं उन्हें जानती थी, तो मैंने जो जो चीज़ें बताई उनमें से लाइक 90% चीज़ें बिल्कुल सही थी। लाइक उनका मैंने नाम का फर्स्ट लेटर बता दिया उन्होंने, एंड मैं उनकी नेचर बताई कि वो बहुत, उन्हें गार्डनिंग वगैरह पसंद है, फ्लावरिंग वगैरह, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद आती है ना? हाँ जी। उस अंगूठी या घड़ी में इन्फॉर्मेशन होती है उस शख्स की जिसको वो इस्तेमाल करता है। गुड लक। आप देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम और कहाँ से आई है? मैं, मेरा नाम इफ्रा है और मैं सऊदीया से आई हूँ। चलिए इफ्रा, बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा, और साइकोमेट्री में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इन्होंने मुझे अपनी रिंग दी थी, अपनी मॉम की रिंग। इन्होंने दी थी जी रिंग, इन्होंने मॉम की, और ये इससे पहले आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे? ठीक है, अपनी मॉम की रिंग थी तो मैंने हाथ में पकड़ी तो मुझे फीलिंग्स आनी शुरू हो गई कि किसकी रिंग है, बस वर्ड्स आते जा रहे थे और मैं बताती जा रही थी। वेरी गुड, और रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी 99% रिजल्ट था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं और कौन, आप करना चाहेंगी? जरूर जी।
मैं हफ्सा रास्ती और लाहौर से हूँ और दिस वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड डॉक्टर साहब के साथ. तीन दिन में ही लग रहा है कि पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है, माइंड शार्प हो गया. और मैंने फर्स्ट डे ही 3 टेक्निक्स यूज की, ग्लास ऑफ वाटर किया, बिल्कुल ड्रीम मुझे आया और जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे मिल गया. फिर मैंने 3 फिंगर टेक्निक की और मैं यहाँ इन टाइम पहुँच गई. और फिर मैंने एक नेगेटिव थॉट आई उसको रास्ते में कैंसिल 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 किया. और ये आई एम ग्रेटफुल टू यू सर फॉर दिस कि उस दिन से, ये आज थर्ड डे है और जो नेगेटिव थॉट आ रही है जस्ट से कि कैंसिल कैंसिल कैंसिल. और आपको दुआएं दे रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं. और आज साइकोमेट्री में मेरे पास एक घड़ी थी और जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ी वही थॉट्स आना शुरू हो गई. और जिस लड़की की वो घड़ी थी वो ग्लासेस पहनती थी और मैंने उसके ग्लासेस का कलर भी ब्लैक बताया एंड इट वाज ट्रू 99% मेरा. और आप उसको नहीं जानती थी? नहीं जानती थी. अमेजिंग, बहुत शुक्रिया. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अच्छा दोस्तों, यहाँ कुछ और ख्वातीन हैं, हम उनसे भी जरा बात कर लेते हैं. हाँ जी, अपना नाम और कहाँ से हैं? उमेरा हूँ मैं और लाहौर से बिलोंग करती हूँ और सर की काफ़ी अरसे से सर की स्टूडेंट हूँ. और आज हम लोग यहाँ पे सिल्वा के वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं. आज हम साइकोमेट्री की थी भी कुछ देर पहले, तो नबीला इनको मैं पहले नहीं जानती थी, इन्होंने मुझे अपनी सिस्टर की रिंग दी तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्मेशन आने लग पड़ी उनके बारे में. और मैंने उनकी फ़िज़िक बताई, मैंने उनके जो मुझे बार बार वाइट कलर बहुत आ रहा, तो उन्होंने कहा वाइट कलर के ट्राउज़र्स बहुत पहनती, इनफैक्ट 2 दिन से उन्होंने वाइट कलर के ट्राउज़र्स पहने हुए. फिर मुझे कुछ गर्माहट फील हुई तो मैंने कहा कि आपकी सिस्टर जो है ना उनकी गर्म तबीयत है. साथ मैंने बताया कि वो शौकीन है चीज़ों को, लाइक ये जिस तरह औरतें होती हैं उस तरह, उन्होंने कहा वो बहुत शौकीन है कपड़ों की, ये वो इस तरह. तो मैंने काफ़ी चीज़ें लाइक मेरा 100% रिजल्ट जो मैंने बताया वो 100% रिजल्ट. अपना नूरिया रिजवान लाहौर से. और मैं रिपीट कर रही हूँ इसको सिल्वा को. और पहली बार में भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे, इस बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट. मुझे मजीद जो है ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें बाहर, रूहानियत कह लें उसको या ज़हनी तौर पे या फिज़िकली तौर पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो मुझे भी बहुत मोटिवेशन दे रही हैं और इंशाल्लाह ताला वो दूसरों के भी काम आएंगे. शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच. वेयर्स आवर यंग डॉक्टर जी, हमारी एक यंग डॉक्टर इंग्लैंड से आई है और मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ गई है, वो डॉक्टर साहिबा डॉक. ओके अच्छा जी सॉरी, वो अब ट्रांस में चली गई है और इस वक्त वो लोग अपनी एक केस वर्किंग पे लगे हुए हैं. मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, लोग बड़े इंथुजियास्टिक हैं एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. ये इस साल का 2018 का एक ही वर्कशॉप साल में होता है लाहौर में, 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में हो गया. इंशाल्लाह आप लोगों से वेंसडे को इस्लामाबाद में मुलाकात होगी. कुंडलनी और 4 डायमेंशन होने वाला है इन 5 दिनों में. अपना ख्याल रखिएगा, तब्दीली आ चुकी है बराए करम, अपने अतराफ का जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखें. अगर कचरा आप रोड पे फेंकते हैं तो कचरा रोड पे नहीं फेंक रहे, आप अपने ऊपर फेंक रहे हैं. पाकिस्तान पाइंदाबाद.